मैम, उपमा राय मैम ने जैसे बताया कि बेड़िया बाछड़ा समुदाय की समिति जो बनाई गई है उसमें आपने काफी काम किया है, क्या क्या समस्याएं निकल कर आई हैं, क्या क्या मुख्य और क्या रहा है? नहीं, मैं जैसे इस समिति के गठन के बाद जो जिम्मेदारी हमारी अध्यक्ष महोदया ने मुझे दी है, उसके बाद मैं मंदसौर, नीमच, रतलाम, धार, राजगढ़, सागर, मुरैना सभी क्षेत्रों का मैंने दौरा किया। वहाँ के लोगों से मैंने जाकर बात की, उस कम्युनिटी के बीच में बैठकर उन लोगों से मैंने बात की। बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में हम लोग को डिस्कशन करना है, और उन्हीं समस्याओं को मैंने एक रिपोर्ट तैयार करी है और उसी को लेकर आज इन सभी लोगों को मैंने यहाँ बुलाया है ताकि अध्यक्ष मैडम के साथ हम एक मीटिंग करके उन परेशानियों के बारे में विस्तृत चर्चा करके उसका कुछ निराकरण करें। जैसे अभी हमारी मीटिंग शुरू ही हुई और जो एक जाति सर्टिफिकेट के लिए जो मुद्दा सामने आया और तत्काल उसका निराकरण भी किया है, और अध्यक्ष महोदया ने बोला है कि हम पूरे जिलों में ये आयोग की तरफ से एक लेटर जाएगा कि उसको हम ठीक करें और किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आए। ऐसे एक एक मैडम, आपकी रिपोर्ट में इस समस्या के अलावा और क्या ऐसी समस्या निकल के आई? बहुत सारी, जैसे एक जात पंचायत वाला मामला है, एक डाउरी वाला मामला है। यहाँ पर उल्टा सिस्टम है, लड़की को लड़के वाले दहेज देते हैं। कभी भी एक लड़के की अगर शादी करनी है तो उनको लड़की वालों को दहेज देना पड़ेगा और उसका पूरा जिम्मेदारी उस मतलब परिवार की बेटी पे आती है। तो इसके कारण, इस मजबूरी के कारण माँ बाप उस बेटी को इस क्षेत्र में धकेलते हैं। ऐसी बहुत सारी परेशानियाँ, एक तो शिक्षा को लेकर कि शिक्षा का स्तर बहुत कम है, बहुत नीचा है, लड़कों का तो और भी कम है और अधिकतर लड़के बिल्कुल बेरोजगार पाए गए और वो पूरी तरह से लड़कियों पर डिपेंड है। तो किस तरीके से हम उसको मुख्य धारा में जोड़ें, कैसे हम लड़कियों को निकालें, शिक्षित करें, वहाँ पर अवेयरनेस लाएं, इन सारी बातों पे हम लोग आज डिस्कशन करेंगे।